हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे। और आज है 25 मार्च। आज मेरी अप्पी लोग भी आई हुई है, तो फाइनली आज हम लोग का फुल फैमिली कंप्लीट होता है। सो आई थॉट कि क्यों ना सबको साथ हो तो व्लॉग शूट करने का और भी मज़ा आता है। तो देखिए मेरे ब्लॉग को और इन्जॉय करिए। आज के रमज़ान में बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ बनने वाला है, साइड से बात है, तो देखिए और इन्जॉय करिए। अभी है जहर के टाइम, जिसके लिए सबसे पहले हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं और फिर नमाज़ पढ़नी है हमें, और फिर यहाँ पे तस्बीह भी गिन रहे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं किचन, जो कि अम्मी ऑलरेडी यहाँ पे चिकन के काम कर रही है और यहाँ पे आलू वगैरह कट कर रही है। और ये रही मेरी बड़ी अप्पी जो आई हुई है अपने ससुराल से। ये मेरा भाई है जो कि हमसे छोटा है, ये अलग बात है, हमसे बड़ा लगता है बहुत। आज हम लोग के घर में लग रहा है कि फाइनली फेस्टिवल है अप्पी के आने से। ऐसा लग रहा तुमको अप्पी के आने के बाद? अच्छा लग रहा है। आज हम लोग फाइनली पांचों बहन कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद। और रमज़ान में पहला ऐसा रमज़ान है जो कि बाबू लोग अप्पी के साथ सेलिब्रेट करेगी, है ना? हाँ। और यहाँ पे बिरयानी में पड़ने वाली आलू की बॉयल हो चुकी है साथ में फूड कलर डाल के, और अब ये अच्छे से फ्राई भी होगी। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी सब्जी वगैरह कट हो रही है रात के लिए, और साथ में इफ्तार की भी तैयारी हो रही है। और फिर अब हम चले अपना काम करने के लिए। जब नारियल ना फूटे तो गैस पे रख दीजिए 5 मिनट के लिए, और उसे पलटते रहिएगा तो वो खुद ब खुद फूट जाएगा। और साथ में आज हम बनाने वाले इंस्टेंट पुआ, जिसकी रेसिपी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और अप्पी लोग के डिमांड पे हम फिर से बना रहे हैं। इस रमज़ान में तो हम काफ़ी बार बना चुके हैं और इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं, तो हम क्या ही करें कि चीज़ को बार बार शेयर। और साथ में मेरी चिकला भी मेरा हेल्प करिए, वो बादाम वगैरह रोस्ट करिए, क्योंकि आज कीमा वाला समोसा भी बनना है। तो फिर हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, बाबू अपना काम कर रही है। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, जो कि चिकन की है, और जो अम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही थी हम बस उसे फॉलो कर रहे थे, और काफ़ी सारा कुछ हम इसे स्किप कर चुके हैं क्योंकि हमको याद नहीं है क्या क्या डाले हैं नहीं डाले हैं। तो आपके घर में बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो यार बोल दीजिएगा, दोबारा हम रेसिपी शेयर करेंगे। और यहाँ पे अम्मी के काम चल रहे हैं और अब्बू यहाँ पे नमाज के लिए वजू कर रहे हैं। और ये रहा मेरा आउटफिट, इग्नोर करिएगा, जो कि तिनरंगा हम अक्सर पहना करते हैं, ठीक है, ये मेरा पुराना आदत है। और साथ में मेरा सब कुछ तैयार हो चुका था पुए का काम, तो हम यहाँ पे अब पुआ बना भी रहे थे। यार बता नहीं सकते आपको ये पुआ कितना कितना अच्छा लगता है। और काफ़ी कुछ हम सूट नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर इफ्तार की तैयारी चल रही थी और नीचे भी हम अपना काम कर रहे थे। बहुत काम है यार, नहीं वहीं पे बहुत काम है गाइस, समझ नहीं आ रहा और टाइम बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग सब साथ में इफ्तार करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा आदमी हो जाने की वजह से आज लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग करने वाले हैं, तो आज हम इस चीज़ को भी दिखाने वाले हैं। वक्त हो चुकी है और अब्बू नौसे भाई अंकल और जुनैद अरशद सब यहाँ पे बैठ के दुआ कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरी लेडीज़ ग्रुप में हमारी चिकला पिकला बैठ के पहले से दुआ कर रही है। अल्लाह पाक को ना भूखे पेट, जब इंसान का गला सूखा होता है, होंठ सूखी होती है, और इफ्तार सामने पड़ा हो खाना, तब भी इंसान दुआ करता ना, तो अल्लाह पाक को ये चीज़ बहुत पसंद होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए अपने लिए, दूसरों के लिए, और जो भी समझ में आपको लगे कि जायज दुआ है तो उन सब के लिए कीजिए। बस ठीक था।
इसको भी बोलता है बड़े मामा को आने में लेट हो गई थी और यहाँ पे जुनैद मच्छर मारने की प्रक्रिया चालू है खाते खाते। हम लोग का इफ्तारी हो गया गाइस, अब हम लोग मार्केट जाने वाले हैं। अरशद नहीं जाएगा, जुनैद जाएगा हम लोग के साथ। गजब बेइज्जती आ रहे। और फिर हम लोग निकल लिए मार्केट की ओर बाइक से, हम जुनैद और आफिफ भी। सच बताएं तो हमें बड़े में बाइक से जाना घूमना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये चीज़ मुंगेर में नहीं कर सकते। और फिर हम लोग गए आंटी की शॉप पे, अक्सर हम लोग यहाँ जाया करते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट को दिखा रही है, बता रही है कि अच्छा है ये वो, तो वही हम लोग उसमें से शॉप वगैरह लिए। कलर वाला आ गए, नहीं 8-10 ही हो रहे हैं, बट कुछ खा ली है ये हमको छोड़ा क्या करवा। आइए देने वाला इसको। आज एक मछली वाला गेम होगा, आज हम लोग सातों भाई बहन है। होगा तुम पहले ठूस ले। अयो, और अब बनने वाली है रात के खाने में हम लोग के यहाँ बिरयानी। गाइस चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये कैप्चर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे बिरयानी कंप्लीट भी हो गई, अब बस इसे दम होनी बाकी है। तो हम चिकन बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी 2-3 बार शेयर कर चुके हैं, अगर आप लोग का मन हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं सर्च करके। और आप में से बताइएगा, आप लोग में से किस किस का फेवरेट है बिरयानी। मेरा तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे घर में मोस्टली सबका ही है, सबका ही होता है भाई। सबसे पहले जेंट्स लोग को सर्व किए खाना, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। और अब टाइम है हम सारे लेडीज लोग के डिनर करने का, जो कि है चिकला पिकला अम्मी और हम लोग। बहुत अच्छा लगता है ये मोमेंट जब हम तीनों एक साथ होते हैं, मतलब अप्पी लोग के साथ बड़े मजे आते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग तीनों एक साथ रहते नहीं है ना, तो जब साथ होते हैं तो वो कोई फेस्टिवल से कम नहीं होता है। गाइस यहाँ पे गेम चल रही है जिसमें कि अल्लाह ऑन तो कर, वो अच्छा ऑन ही है। यहाँ पे गेम चल रही है जिसमें कि नौसे भाई का 3 लाल हो चुका है और एक बैठी हुई है, और सब 3 बार मार चुका है, हमको भी मार चुका है, सब यहाँ पे एक दूसरे को गेम करना पसंद करेंगे। इधर नहीं, अभी अभी दिलचस्प मोड पे है, ठीक है गेम। क्या बात है नौसे भाई, हो गया ये रहा विनर, नौसे भाई सेकंड, ये थर्ड। ये सारी बातें बताई नहीं जाती कि हम हार गए। अब भी क्या है, 24 घंटा नहीं हुआ लेकिन ये जा रही है अपना मुंह लेकर के। बस ये कुछ 22-20 घंटे के लिए आई थी हम लोग के पास, जिसमें कि 9 बजे सुबह मिले इनसे और अब जा रही है ये। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रमज़ान की व्लॉग और लाए, तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम हमेशा भी डाल सकते हैं।